सर्दियों के साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर ने देश भर में दस्तक दे दी है और पर्यटकों से भरे पहाड़ों से सामने आ रहे ये नज़ारे लोगों में न्यू ईयर के लिए बढ़ते जोश की गवाही दे रहे हैं। देश भर से पर्यटक क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने बड़ी संख्या में शिमला, मनाली आदि पहाड़ी इलाकों का रुख कर चुके हैं। भारी मात्रा में लोग न्यू ईयर मनाने शिमला पहुंच रहे हैं और शिमला में हर तरफ पर्यटक और उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी वीकेंड क्रिसमस का टाइम है ना, तो हाँ रश तो है। टॉय ट्रेन में हम आए हैं कालका से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा लेट है ट्रेन, अभी माइल रोड पे हमारा होटल है, वहाँ पर जाना है। हम देख रहे हैं शिमला में वेदर भी प्लेजेंट है, पीपल वर एक्सपेक्टिंग स्नोफॉल, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल से 5-7 डिग्री अप चल रहा है। तो हाउ डू यू फाइंड किस तरह का? अभी स्नोफॉल का तो है नहीं, हम लोग देख के आए हैं, बट क्रिसमस का टाइम है, मॉल रोड में तो अच्छा ही होगा सेलिब्रेशन, उसी के कारण हम आए हैं। जहाँ एक तरफ पर्यटकों में नया साल पहाड़ों पर मनाने का भरपूर जोश है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश भी अपने अतिथियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। शिमला में पहली बार न्यू ईयर पर पर्यटकों के स्वागत के लिए विंटर कार्निवल आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के लिए पूरे शिमला को सजाया जा चुका है। आगंतुकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। देखिए, काफ़ी समय बाद शिमला में टूरिस्ट का आगमन हुआ है। आपदा के बाद शिमला को न बल्कि हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ, और शिमला एक पर्यटन नगरी है, उसकी लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं अब विंटर कार्निवल की। और हम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हमें आदेश हुआ कि आप अपने कल्चर और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हिमाचल देवी देवताओं का वास है यहाँ पे और हमारी संस्कृति और कला बहुत रिच है, उसको दिखाने के लिए हम अपना ये विंटर कार्निवल करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों से चली है। 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे के बाद यहाँ रिज पे आएंगे और विंटर कार्निवल की विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे, जो टूरिस्ट इनफ्लो बड़ा है, ट्रेंस फुल आ रही हैं, गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, शहर में दिक्कत ना हो, पुलिस और प्रशासन के साथ किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने हम प्रशासन के साथ भी बैठे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस के साथ भी मैंने बैठक की है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि टूरिस्ट का काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में उम्मीद है हमें आने की। और कोशिश ये रहेगी कि अलग जगह जगह पे पार्किंग प्लेसेस और किस तरह से जो रिस्ट्रिक्टेड रोड्स है उसको भी थोड़ा सा बीच में खोलना पड़ेगा, ताकि पार्किंग प्लेसेस ज़्यादा बने। उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और ट्रैफिक पुलिस के साथ भी मेरी बैठक हुई और डीसी महोदय ने भी अपनी बैठकें ली हैं, तो सारी बैठकें हुई है। और शिमला में जो 25 से 31 का काफ़ी फ्लो रहता है टूरिस्ट का भी, वो हमने सारे ध्यान में भी रखा है और इसको लेकर के हम बैठक भी कर रहे हैं। नए साल को नए तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए भारतवासी हर साल कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और लोगों की यही चाह पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही पर्यटकों की संख्या के रूप में साफ तौर पर देखी जा सकती है।